तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है नागपुरी भाषा के प्रमुख प्रश्न के ऊपर आधारित है कि नागपुरी भाषा में जितना प्रमुख प्रश्न है उसको निकाला गया नागपुरी भाषा से संबंधित। और ये जो चैप्टर है ये निकाला गया आपको नागपुरी लोक साहित्य जो आपको डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज द्वारा रचित है, जिसको आपको उत्पाद विभाग में भी पढ़ना है और जिसको आपको सचिवालय में भी पढ़ना है। झारखंड का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जाएगा जिसमें आपको नागपुरी लोक साहित्य नहीं पढ़ना होगा। काहे, आपको भी पता है कि बिना लोक साहित्य का कोई संस्कृति नहीं हो सकता है, बिना लोक संगीत का कोई संस्कृति नहीं हो सकता है। तो कोई एग्जाम में लोक साहित्य होगा और कोई किसी एग्जाम में आपका लोक संगीत होगा। और उसी क्रम में जो हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, उस पहला प्रश्न का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, किस विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा की पढ़ाई शुरू हुई थी। तो भाई कहाँ शुरू होगा नागपुरी का पढ़ाई, कहाँ होगा? रांची में होगा, तो रांची विश्वविद्यालय में। मागधी नागपुरी भाषा का विकास किससे हुआ है, मागधी या फिर नागपुरी भाषा, मागधी और नागपुरी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, नागपुरी झारखंड के अलावा किन किन राज्यों में बोली जाती है, और कौन कौन सा राज्य जहाँ पर हमारे नागपुरिया समाज के लोग रहते हैं, तो वो है आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। चौथा नंबर का प्रश्न है, नागपुरी भाषा को किसने भ्रष्ट भोजपुरी कहा था, तो डॉक्टर ग्रियर्सन। किसने कहा था, डॉक्टर ग्रियर्सन। क्या कहे थे, इसको भ्रष्ट भोजपुरी कहा था, मतलब भोजपुरी का भ्रष्ट रूप कौन है, नागपुरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, रट के चल जाइए, एग्जाम में आ जाएगा नंबर अच्छा खासा। हमको जहां तक लगता है इससे तीन क्वेश्चन आपका फंसेगा, 25 क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन एकदम आराम से फंस जाएगा आपका। अगला है, किस जिले में नागपुरी का प्रयोग होता है, तो ज्यादातर कहाँ प्रयोग होता है, रांची में। अगर ऑप्शन में लोहरदगा रहे तो लोहरदगा भी मार सकते हैं आप, गुमला भी मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिमडेगा तक में होता है नागपुरी का, लेकिन संथाल परगना में मत मार दीजिएगा, है ना, या फिर आपको सिंहभूम क्षेत्र में मत मार दीजिएगा। कहने का मतलब हमारा जो छोटा नागपुर क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर नागपुरी का प्रयोग होता ही होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नागपुरी बोली जाती है, चंपारण। कहाँ बोला जाता है, चंपारण में। सहरसा जिला में भी क्या बोला जाता है, नागपुरी। पूर्णिया जिला, सुने होंगे ना पूर्णिया, है ना, वहां पर भी क्या बोला जाता है, नागपुरी जी, नागपुरी भाषा। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में। कब हुआ था लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का, आपको पहला प्रकाशन कब हुआ, 1931 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो आठवां नंबर का है वो है, ट्रिब्यूटरी छोटा नागपुर स्टेट्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको किसको जाना जाता है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। क्यों, क्योंकि उड़ीसा के उस क्षेत्र में नागपुरी बोला जाता है और मध्य प्रदेश का उस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, आपको नागपुरी बोला जाता है, इसलिए क्या बोला, ट्रिब्यूटरी छोटा नागपुर स्टेट्स। क्या बोला, ट्रिब्यूटरी छोटा नागपुर स्टेट्स। खा के नहीं आया, कह रहे जोर से बोल, गुंगू जैसा बोल रहा है तुम लोग। आगे सुनिएगा, असम और बंगाल में, बंगाल के चाय बागान में कौन सी भाषा बोली जाती है, गाना नहीं सुने, हरी हरी चाय के बगान, हाँ कैसे बोला, लगभग आप सुने होंगे ना, आंबा पता कचा कचा, इस कैसे था, आंबा पते लंबा लंबा, तेतुल पता छोटा रे, लगभग नहीं लग रहा है कि हमारे नागपुरी से मैच कर रहा है, तो और गाना का शूटिंग कहाँ हो रहा था, चाय बगान में हो रहा था ना, हाँ, तो लगभग असमिया भाषा या फिर हमारा जो ये झारखंड का जो नागपुरी भाषा है वो मैच करता है। क्यों मैच करता है, यहाँ से बहुत सारे लोग अभी भी कहाँ रहते हैं, असम में। आप पूछेगा पापा को कि पापा, बड़े पापा के जो पापा थे वो कहाँ रहते, तो बोलेगा असम चल गया, वो लोग असम में ही शिफ्ट हो गया, सुने होंगे ऐसा। अगला, डॉक्टर गोस्वामी ने 1961 की जनगणना के आधार पर नागपुरी भाषियों की कुल संख्या कितनी बताई थी, तो कितनी बताई थी, 27,63,841। कब बताया था ये, 1961 का जनगणना में बताया था, कितने लोग हैं नागपुरी बोलने वाले, 27,63,841। 1961 में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल जनजातियों का जो यहाँ पर गलती से लिखा गया, गलती लिख दी है, 1961 में जनजातियों की, कौन जनजाति, उसमें जनजाति था आपका हो, कौन था, हो, उसमें जनजाति था आपको, गलती नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर सही है, कुल अगर जनजाति के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पर आपको हो था, संथाली का था, है ना, असुर था, बिरजिया था, पहाड़िया था, ये सब जनजाति का इतने लोग रहते थे, कितने लोग, 39,749 व्यक्ति यहाँ पर रहा करते थे। और माना गया कि ये लोग नागपुरी नहीं बोलते, इसलिए इन लोगों को साइड किया गया। अगर मान लिया जाता कि ये लोग भी नागपुरी बोल रहे हैं, तो ऊपर में जो आप लिखे हैं ना 27,63,841, उनमें इनका भी क्या हो जाता, जनसंख्या ऐड हो जाता, बात समझे। चलिए अगला प्रश्न है,
किन वर्षों का भाषाई आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ, कौन साल भाषा का आंकड़ा को प्रकाशित नहीं किया गया कि कितने लोग नागपुरी बोलते हैं, कितने लोग संथाली बोलते हैं और कितने लोग हो बोलते हैं, ब्रजिया बोलते हैं, असूरी बोलते हैं। तो 1971 में भी नहीं हुआ और 1981 में भी नहीं हुआ, ठीक है। आगे अभी आप सुनते होंगे ना, जो हेमंत सोरेन से बार बार लोग पूछते हैं कि आप किस आधार पर भाषा को दिए हैं चारों तरफ, कि जिलावार कैसे बांटे हैं, क्या आप गणना करवाए थे या फिर कोई कुछ सर्वे करवाए हैं, आप बिना सर्वे बिना गणना का कैसे कर सकते हैं, है ना, और किस हिसाब से आप उर्दू को हर जिला में डाले हैं। उर्दू कोई एंगल से क्षेत्रीय भाषा नहीं है और बिल्कुल नहीं चलेगा, उर्दू भी क्षेत्रीय भाषा 9 है और क्षेत्रीय भाषा 9 ही रहना चाहिए। और हम सचिवालय के हर एग्जाम में हम 9 भाषा ही चाहते हैं और जिसमें हम लोग का भाषा क्या होगा, नागपुरी। याद रखिएगा, 1931 की तुलना में 1981 में जनसंख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ था, है ना, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ था, 58% का। 1981 में नागपुरी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 43 लाख। 1981 में गणना नहीं हुआ था, अभी बोले ना, 1971 में भी नहीं हुआ, 81 में, 71-81 ऐसे ही गणना होता है, 11-21 है ना, 21 में भी अभी नहीं हुआ है, उसी तरह से 71 और 81 में नहीं हुआ, तो 81 में कितना लोग नागपुरी बोल रहे होंगे, ये आपको बताया गया, लगभग 81 लाख लोग, कितने लोग, 81 लाख लोग क्या बोलते थे, नागपुरी। नागपुरी शब्द को किन किन नामों से जानते हैं, तो नागपुरी शब्द को, नागपुरी जो भाषा है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य इसका नाम है गंवारी, क्या नाम है, गंवारी। दूसरा नाम है सदानी, क्या नाम है, सदान लोग बोलते थे सदानी, इसीलिए जो बोला उसको सादरी भी बोला गया, क्या बोला गया, सादरी। नागपुरी, नागपुरिया तो आप जान ही रहे, नागपुरिया हिंदी, क्या कहा गया इसको, नागपुरिया हिंदी, या फिर इसको छोटी भोजपुरी, क्या कहा गया, छोटी भोजपुरी। अभी बोले ना, नागपुरी को किसने भ्रष्ट भोजपुरी कहा था, भोजपुरी का भ्रष्ट रूप किसने कहा था, तो ग्रियर्सन, अभी आप पढ़े थे ना, हाँ, इसीलिए इसको छोटा भोजपुरी भी कहा गया। अगला है, दीकू काजी के नाम से किस भाषा को पुकारा जाता है, तो दीकू काजी के नाम से किस भाषा को पुकारा जाता है, नागपुरी को। काहे, तो इस भाषा को कौन लोग बोलते हैं, बाहर के लोग, जो बाहर से आकर यहाँ पे बसे थे वो लोग बोलते हैं नागपुरी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, दीकू काजी। आगे जाके हम बताएंगे दीकू का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है 17 नंबर का, वो प्रश्न है, प्रथम नागपुरी व्याकरण का क्या नाम था, तो प्रथम नागपुरी व्याकरण का नाम था नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। क्या बोले सुनिएगा, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर, सॉरी लोहरदगा छोटा नागपुर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम नागपुरी व्याकरण कब लिया गया, तो प्रथम नागपुरी व्याकरण कब लिया गया, 1896 में, और इसको लिखने वाले कौन थे, E.H. Whitley, कौन थे, E.H. Whitley। अगला है, नागपुरी को क्या कहा जाता है, तो नागपुरी को पहले ही हम जाने, छोटा नागपुर क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है, सदानी या फिर सादरी। आगे, मुंडा जाति के लोग आर्यों की भाषा नागपुरी को क्या कहते थे, तो दिक्कू काजी, क्या कहते थे, दिक्कू काजी। दिक्कू मतलब बाहरी और काजी मतलब भाषा, बाहरी का भाषा, बाहरी भाषा, वो क्या कहलाया, दिक्कू काजी, बाहर के लोग जो भाषा बोलते थे यहाँ पर शुरू में। लेकिन ऐसा मत समझिए कि 2-3 साल पहले का ये भाषा है, 64 ईस्वी में नागपुरी झारखंड का क्या था, राजकीय भाषा था, 64 ईस्वी। अभी आप कहाँ है, 2022 में, 64 ईस्वी में ही। नागपुरी को लिपिबद्ध करने के लिए कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है, कितने लिपियों का प्रयोग होता है, तो कैथी में होता है, बंगला में होता है, रोमन में होता है, देवनागरी में होता है। लेकिन वर्तमान के लिए अगला क्वेश्चन है, अब सभी लोग नागपुरी लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं, हम लोग कौन लिपि यूज करते हैं, देवनागरी। कौन सा लिपि यूज करते हैं, देवनागरी। अगला क्वेश्चन इसी से है, फोगलो बुढ़िया कर कहनी किसने लिखा था, तो धनी राम बख्शी, किसने लिखा था, धनी राम बख्शी। अगला है, दिक्कू, बार बार आया था, दिक्कू का अर्थ क्या होता है, तो दिक्कू का अर्थ क्या होता है, दिक्कत, क्या होता है, दिक्कत। अगला है, ए सिंपल सदानी ग्रामर किसने लिखा, तो पीटर शांति नौरंगी, किसने लिखा था, पीटर शांति नौरंगी। और इस प्रकार से नागपुरी भाषा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको करवा दिए हैं। अब आपका काम है कि इसको आप रट लीजिए, उत्पाद विभाग में भी ये रहेगा, आपको CGL में भी ये रहेगा, या फिर नागपुरी का कोई एग्जाम आप लिखने चाहिए ये रहेगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जिसको आपको जानना चाहिए, है ना। आपका धन्यवाद।